जूते तक कोई आएगा तो घर नहीं बचकाने करियर सीधा चले जाएगा। तो कैसे हो बंटाई की पब्लिक, तो सबसे पहले बात करते हैं एमवे बंटाई के चली सॉन्ग की। तो इस गाने पर 1 मिलियन व्यूज कंप्लीट हो चुका है और अभी भी ये सॉन्ग यूट्यूब के ट्रेंडिंग सेक्शन पे वो भी नंबर 9 पे ट्रेंड कर रहा है। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो बहुत ही जल्द एमवे बंटाई उन सभी के लिए जो कि एमवे बंटाई के सॉन्ग्स पर हार्ड रील बनाते हैं उनके लिए एक सरप्राइज है और वो बहुत ही जल्द इसको रिवील भी करने वाले हैं, जिसको लेकर वो अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर लिखते हैं कि हार्ड रील बनाने वाली पब्लिक को सरप्राइज है, कुछ जल्दी रिवील करूंगा, तब तक रील्स मचाओ। बाकी बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की और, तो काफी पब्लिक चैन के म्यूजिक को तो जानते ही होंगे, जिनका अभी इंस्टाग्राम पर एक वीडियो देखने को मिला है जिसमें वो पिंकी और एमवे बंटाई के बारे में बात करते हैं। आप लोग इसकी छोटी सी क्लिप को देख लो। मुझे एक बात बताओ आप सारे, अगर मुझे हाइप चाहिए होती तो जिस तरह कृष्णा बेशर्मों की तरह एमवे के पीछे पढ़ पढ़ के करियर अपना बना गया, करियर ठीक है, मैं अगर हनी सिंह बादशाह के पीछे पड़ जाऊं भूखे जानवर की तरह असली हिप हॉप 2.0 और रगड़ूं इनको अगले साल तक, क्या मैं मशहूर नहीं हो सकता? इतनी आसान है मशहूरी, ठीक है, ये वाली मशहूरी इज्जत वाली नहीं, ठीक है, कोई ये डिनाई नहीं करेगा। मैं अगर बोल रहा हूं कृष्णा एमवे को डिस्कर करके बना हुआ, कोई ये फैक्ट बात है, ये मैं कोई अपनी हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूं, तो ये कोई हाइप की बात नहीं है। देखो एक मैं पहले ना जितना भी मैं बार बार कह रहा हूँ DHS जितने भी नॉट जस्ट लिसनर्स सारे रैप आर्टिस्टों से भी इधर बात कर रहा हूं। तो पब्लिक जैसा कि आपने देखा चैन भाई ने जो कुछ भी बोला है बिल्कुल फैक्ट की बात बोली है और सही में पिंकी भाई ने अपना जो भी करियर बनाया है वो एमवे बंटाई को डिस करके ही बनाया है। इसके अलावा जादू और किंग का बहुत ही जल्द एक न्यू सॉन्ग आने वाला है जिसको देखकर काफी पब्लिक बोल रही है कि शायद वो एमवे बंटाई को डिस कर सकते हैं। तो अगर ये बचकाने सही में एमवे बंटाई को डिस करते हैं तो आप लोग जानते ही हो इसके बाद इनका क्या होगा। तो बंटाई की पब्लिक आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।